से नहीं चलेंगे। हमें जो राइट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेट्स डू इट, बट लेट्स नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन विल डू द सेम। सपोज मैं आपके घर आज खाने पर आऊं, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आपने सुबह से खड़े होकर 6 चीजें बना दी बड़े प्यार से, वी हैड अ गुड टाइम, बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट टाइम आप मेरे घर आए, मैं कहा चाय पीनी, क्या पीनी है, चाय तो पीकर आए होगे, 6 बज गया, चाय तो 5 बजे हम पीते हैं, चाय भी नहीं पिलाई, और खाने का तो खैर आपको साइन ही नहीं दिखेगा मेरे घर में आसपास कहीं भी, तो आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अब वहां बैठे बैठे कैसी कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे, ये आए मैंने 6 चीजें बनाई, पूरा दिन किचन में खड़ी रही, गर्मी भी कितनी थी तो भी मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने इतना भी नहीं किया, 6 नहीं बनानी थी 3 ही बना लेते, 3 नहीं बनानी थी खिचड़ी बना देते, मैं खिचड़ी में खुश हो जाती। इतना हम बार्गेन करते हैं अंदर अपनी थॉट्स के साथ, करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि खाना बनाना मेरी विशेषता नहीं है। लेकिन आपने ये सोचा कि जो आपकी विशेषता है वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर होगी, एक्सपेक्ट किया ना, और जब अपनी विशेषता दूसरे में नहीं मिली, लो अगले महीने फिर आई आपके घर, अब बताओ क्या हुआ, क्या बनाएंगे आप, खाना नहीं बनाएंगे? और जिस दिन आप खाना नहीं बनाएंगे मेरे लिए, उस दिन आपने अपनी विशेषता छोड़ दी। कितना रिस्की है, ब्यूटीफुल क्वालिटी थी आपकी, विशेषता थी आपकी, एक्सपेक्ट किया कि सबके अंदर वही विशेषता होगी, नहीं दिखी तो अपनी छोड़ दी। ये कोई ताली बजाने वाली बात थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी है ये, हमने अपनी आज चेक करो, हमने जीवन में अपनी कितनी विशेषताएं छोड़ी हैं, छोड़ते छोड़ते एक दूसरे को कहने लगे वैल्यूज डोंट वर्क, बजाय के एक दूसरे को वैल्यू सिखाते हमने अपनी छोड़ने लग दे, तो कोई टाइम पे नहीं आता, मैं भी टाइम पे नहीं जाऊंगी, आजकल कोई पूरा सच नहीं बोलता, ऑनेस्टी पे थोड़ी चलता है, छोड़ दी, करा या नहीं करा? जब हमें ये याद रहता है ये मेरी विशेषता है, सामने वाले की कोई और विशेषता होगी, मेरे अंदर खाना बनाने की विशेषता नहीं है लेकिन मेरे पास कोई और होगी, है ना। अब अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी भी थी मेरे से, तो आपको एक्सपेक्टेशन रखने से पहले मेरी विशेषता तो चेक करनी चाहिए थी ना, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक्सपेक्टेशन रखी तो किसके थ्रू रखी, अपनी विशेषता के थ्रू रखी। अगर आप ये एक्सपेक्ट, आपको पता होता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो यू वुड हैव कम विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और फिर अगर आपको चाय पिला देती तो आप तो बहुत ही खुश हो जाते कि हमने तो चाय भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्सपेक्टेशन रखनी तो सामने वाले की कैपेसिटी से रखनी, अपनी कैपेसिटी से नहीं। मैं सबका बर्थडे याद रखती हूँ, मैं सबको विश करती हूँ, उन्होंने मुझे नहीं किया, याद मैं रखती हूँ, वो मेरी विशेषता है। हर एक के काम के समय मैं उनको हेल्प करती हूँ, आई लीव माई ऑफिस एंड गो टू हेल्प पीपल, और जिस दिन मुझे जरूरत थी कोई नहीं आया, लेकिन वो उनकी विशेषता नहीं है। अब हमारे पास चॉइस है, हम अपनी विशेषता को यूज करें या अपनी विशेषताओं को छोड़ दें। जब कोई हमसे हेल्प मांग रहा है और हमारी विशेषता है सहयोग देना, तो हम क्यों दे रहे हैं सहयोग? क्या हम उस टाइम ये सोच रहे हैं कि वो भी हमें देंगे, तो हमें देना ही नहीं चाहिए? क्या उस टाइम हम उनको ये बता रहे हैं कि देखो मैं आज आपको हेल्प कर रही हूं, लेकिन जिस दिन मुझे चाहिए होगा आप करना, अब चूज कर लो हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम नहीं कर रहे? हम तो सिर्फ नेचुरली हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी विशेषता, इट कम्स नेचुरली टू अस, बट द लिटिल मिस्टेक
Now we expect everybody else to have that quality. Husband और wife में तो बहुत ज्यादा होता है ये, होता है या नहीं होता? मैं आपको फोन करती हूँ, आप मुझे नहीं करते, मैं ये करती हूँ, आप ये नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि वो जो जो करते हैं वो हम नहीं करते, हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो हम करते हैं वो नहीं करते, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि वो करें जो हम करते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता? दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। तो अपनी विशेषताओं को औरों के लिए छोड़ना नहीं। एक सिंपल चीज है, आप यहां एंटर किए, किसी ने आपको देखकर इग्नोर कर दिया, आप उनको जानते हो लेकिन आप उनके पास जाने ही लगे, उन्होंने आपको देखा और इग्नोर करके उधर चले गए। अब हमारे पास दो चॉइस है कि या तो हम जाकर उनसे प्यार से बात करें या फिर हम कहें नहीं बात करनी, नहीं बात कर, ठीक चल मेरे को क्या पड़ी है, नहीं बात करनी, नहीं बात करो, तो हम उधर चले गए। तो हमने क्या किया, हमने उनके व्यवहार को कॉपी किया। आज हम कॉपी बहुत करते हैं, करते हैं ना, जो हमसे प्यार से बात करता है हम उससे प्यार से बात करते हैं, जो नहीं करता तो हम भी उसकी तरह बन जाते हैं। उनको कॉपी करते करते क्या हो गया, इज इट पॉसिबल कि जो हमसे प्यार से नहीं बात करे हम जाकर उससे प्यार से बात करें? उस समय मन कहेगा मैं क्यों करूं, तो उस समय उसको आंसर देना है। क्या आंसर देंगे उस समय उसको, क्या आंसर देंगे उस समय उसको? हम उसको देंगे आंसर कि मैं प्यार से इसलिए जाके बात करूं क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। जो चीजें हमें जीवन में चाहिए, प्यार, खुशी, शांति, वो हम ऐसे कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना, प्यार दो, खुशी दो, शांति दो, ये वो चीजें हैं जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, और ये हमें तब ही अनुभव होंगी जब हम इसको अपने कर्म में लेकर आएंगे। प्यार चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे टू यूज दैट इन आर एक्शंस विद पीपल। शांति चाहिए, देयर इज ओनली वन वे, क्राइसिस आए तो उस सिचुएशन में शांत रहकर उसको सॉल्व करो, शांति हो जाएगी। खुशी चाहिए, हर परिस्थिति में दूसरे को स्टेबल रहकर खुशी रेडिएट करो, यहां अनुभव हो जाएगा। ऐसे मांगेंगे? आज क्या हो रहा है, सब ऐसे मांग रहे हैं, और मांग भी किससे रहे हैं, मांग भी किससे रहे हैं, जो हमसे मांग रहे हैं। शाम को दोनों थक कर घर आते हैं, कहते प्लीज अंडरस्टैंड मी, ओके आई एम वेरी टायर्ड, हाउ टायर्ड आर यू, यू नो हाउ वॉज माई डे।